अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज टॉक। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीब और मेरे साथ हैं और मैं हूं सैयद मोहम्मद दानिश। और आज है वेंसडे का दिन, थर्ड ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक, जुलाई 7, 2021। आज की डेट मार्केट में हमने देखा 47,248 का लेवल आज जो है वो मार्केट ने क्लोजिंग के टाइम पे दिया और फिर 98 पॉइंट्स के डिक्लाइन के साथ मार्केट आज हमें क्लोज होते हुए नजर आई। 411 मिलियन शेयर्स मार्केट में ट्रेड हुए। इंट्राडे हाई 47,375 का रहा, लो वॉज 47,035। मार्केट 311 पॉइंट्स तक माइनस गई, लेकिन एट द सेम टाइम अपने लोएस्ट लेवल से 213 पॉइंट्स ऊपर आई और फाइनली 47,248 के लेवल को सस्टेन किया। पिछले दो दिनों से मार्केट 47,000 के लेवल को सस्टेन करने की कोशिश कर रही है और कामयाब भी हो रही है। अब देखना यह है कि गोइंग एट ये लेवल अगले दो दिनों में सस्टेन हो पाता है या नहीं। एग्जैक्टली और इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ भी कुछ गुड न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट नज़र आता है। रेमिटेंसेस के नंबर ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं, इसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स के नंबर डेली बेसिस पे इंक्रीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम देख रहे हैं जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप था वो टर्फ फाइनेंसिंग के बाद काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट में नज़र आएगा। और बात करें अगर डेवलपमेंट की या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो पीएम विजिट गवादर बहुत आउटस्टैंडिंग रहा। वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हुई और काफ़ी हद तक तरक्याती मंसूबों की जो बात हुई है उस पे ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान जैसा एक प्रोविंस या फिर गवादर जैसा एक शहर काफी हद तक लाइमलाइट में दिखाई देगा, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इसका नाम होगा। और खासकर बात की जाए सी पैक की, तो यहां पर सी पैक की एक विन विन सिचुएशन पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी लाइमलाइट में मौजूद है। ये तो थी बातें, अब करते हैं फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। Let's have a look on daily highlights. आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 47,346.16 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 47,375.36, लोअर वॉज 47,034.95। हम देख रहे हैं इंट्राडे लो में काफी बाउंड्री को टच किया है एंड फाइनली क्लोजर 47,247.92 का, यानी कि चेंज रहा एक फ्लैट नोट पे क्लोजर 98.24 के डिक्लाइन के साथ। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 412.20 मिलियन शेयर ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है 128.97 का एंड वैल्यू वाइज भी अगर बात करें तो आज 14.97 बिलियन रुपीस की वैल्यू रही है। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ऑल इज क्रीपिंग इन ग्रीन टेरिटरी। ये पॉजिटिव जेस्चर देख के भी हम अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है। फौजी फूड्स लिमिटेड 1.21 के इजाफे के साथ 19.55 पे क्लोजर, 41.17 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। WTL सेकंड स्कॉट पे अगेन लाइमलाइट में 0.05 का इजाफा देखा गया, 3.91 पे क्लोजर रहा, 30.16 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली TPL 1.19 का इजाफा देखा गया, 17.10 पे क्लोजर रहा, 20.27 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। हम बात करें अगर पॉजिटिव जेस्चर की तो यहाँ पर थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स में या फिर पेनी स्टॉक्स में काफ़ी हद तक एक पॉजिटिविटी या फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखी जा रही है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सेक्टर जो लाइमलाइट में नजर आता है वो है टेक्सटाइल सेक्टर। और साथ साथ अगर हम बात करें गवादर विजिट की तो प्राइम मिनिस्टर का विजिट भी बहुत ज्यादा आजकल खबरों की जीनत बना हुआ है। तो ये रिपोर्ट देखें फिर वापस आते हैं। साल 2021 में पाकिस्तान माजी की निस्बत ज्यादा खुशहाल, मजबूत और तरक्की याफ्ता होगा। नए साल में अवाम को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में तरक्की का सफर मजीद तेज तर नजर आएगा। तरक्की के सफर की एक कड़ी सी पैक यानी के पाक चाइना दोस्ती का वो सफर है जिस पर दुनिया भर की निगाहें मरकूज हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काम की रफ्तार का जायजा लेने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोजा दौरे पर गवादर पहुंचे, जहां उन्होंने दूसरे कई मंसूबों का इफ्तिताह करते हुए गवादर में फ्री जोन फेज 2 का संग बुनियाद भी रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत समेत 5 फैक्ट्रीज, एक्सपो सेंटर और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल पार्क का इफ्तिताह भी किया। यही नहीं, प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के सफीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह नजर आए। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबों के दूसरे मरहले में हुकूमत सनअती शोबे को ठोस बुनियादों पर तरक्की देने का अज़्म रखती है। यही वजह है कि हुकूमत की मुदब्बिराना पॉलिसीज के बायस टेक्सटाइल की पूरी सनअत तरक्की की जानिब गामज़न है। वाज़ेह रहे कि 7 साल की गिरावट के बाद पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत की बरामदात में अब इजाफे का सिलसिला शुरू हो चुका है और टेक्सटाइल पॉलिसी आने के बाद $3 अरब की नई सरमायाकारी भी मुतवक्के है, जबकि बीमार टेक्सटाइल यूनिट्स की बहाली से मजीद $1 अरब की सरमायाकारी भी होगी। टेक्सटाइल पॉलिसी से मौशी मंजरनामे के तनाजुर में हर माली साल के लिए 3 बरामदी अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं। टेक्सटाइल शोबे का मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार में 8% से ज्यादा हिस्सा है और मुल्क की मजमूई बरामदी शोबों में इसकी मसनूआत का हिस्सा तकरीबन
तकरीबन 60% है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग शोबा है जो सनअती शोबे में काम करने वाले तकरीबन 40% लेबर फोर्स को रोजगार फराहम करता है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के अदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान एशिया में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का 8वां बड़ा मुल्क है। इस वक्त पाकिस्तान में 400 से ज्यादा टेक्सटाइल फैक्ट्रीज काम कर रही हैं, जबकि इस शोबे के लिए सबसे अहम खाम माल यानी के कॉटन की मुल्क में बासानी दस्तियाब है। वेलकम बैक, आपने रिपोर्ट देखी टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से। मजीद टेक्सटाइल सेक्टर में क्या क्या गुंजाइश नजर आती है और कितनी एक्सपोर्ट्स इस माली साल में बढ़ती हुई नजर आ सकते हैं, कौन कौन से इश्यूज ऐसे हैं जिनको एड्रेस होना चाहिए टेक्सटाइल्स में, और किस तरह से मजीद ये सेक्टर ग्रो कर सकता है और इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मजहर अली नासिर साहब, फॉर्मर एडवाइजर टू प्रेजिडेंट FPCCI। अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा इकोनॉमिक आउटलुक बता दीजिए इस वक्त का, आप इस वक्त इकॉनमी हमारी किस डायरेक्शन में जाती हुई नजर आई है, और अब ग्रोथ के हम बात पे हैं तो ये किस हद तक हम जल्दी ये बात कवर करेंगे। देखिए, ग्रोथ का जो पार्ट है ये तो एक लॉन्ग टर्म विजन होती है जो इस हुकूमत ने डायरेक्शन ली है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जिसमें ख़ास तौर पर जैसे आपने भी जिक्र किया टेक्सटाइल पॉलिसी का, इस तरह ऑटोमोबाइल पॉलिसी जो उन्होंने दी है, इसके साथ साथ जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए उन्होंने पैकेज दिया है। तो आप देखेंगे कि ये जितने पैकेजेस आए हैं इनके आने से ख़ास तौर पे इस कोविड के टाइम में जो हमने पिछले साल में देखा और अभी भी उसके असरात मौजूद हैं पाकिस्तान में, तो हमारी डायरेक्शन पॉजिटिव और बुलिश रही है। और ये इस बात से भी नुमाया होती है कि आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अपने हाइस्ट पीक पर 2020-21 के अंदर रहा है कम्पेयर टू अदर ईयर्स। तो ये एक चीज़ खुश आइन है, ग्रोथ हमें नज़र आ रही है, और अगर इसी ट्रैक पे पाकिस्तान रहेगा तो मैं नहीं समझता कि हम जो अपने डेफिसिट्स इस वक्त कर रहे हैं वो अगले एक साल दो साल के अंदर इसको कवर ना कर ले। इस पे ख़ास तौर पे मैं बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने साल देखा है कि टेक्सटाइल्स 25 बिलियन क्रॉस कर गया है, हम उस पॉइंट पर आ गए हैं कि जहाँ पर अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मज़ीद फैसिलिटेट करें और जो ईज़ गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दी है, फॉर एग्जांपल DLT की पेमेंट्स के अंदर या इनके रिफंड्स के अंदर, और उसके साथ साथ जो टेक्सटाइल पैकेज आया है उसके साथ, मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर जो कोविड के असरात राइट सर, टेक्सटाइल पॉलिसी के बारे में भी बात करना चाहेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिए। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में बात कर रहे थे और उसकी एक्सपोर्ट के जो नंबर्स हैं डेली बेसिस पे इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं मजहर नासिर साहब, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, टेक्सटाइल के नंबर्स की बात हो रही है, ऑर्डर्स की बात हो रही है, एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स ड्यूरिंग कोविड बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, ये एक बेनिफिट था या फिर अदर कंट्रीज की नाअहली थी जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान ने बेनिफिशरी रहा, तो सर क्या कहेंगे, कितना पॉजिटिव रहा ये सब? देखिए, दुनिया भर के अंदर जो इम्पैक्ट कोविड का था, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने सही वक्त पे उसका फ़ायदा उठाया और टेक्सटाइल को फैसिलिटेट किया और जिससे आपकी एक्सपोर्ट्स आप देखिए जो दूसरे मुल्कों की थी वो हम आसानी से उसको कवर कर सके। एक बात बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि जब आपके पास से एक दफ़ा बायर चला जाता है तो उसको बड़ा मुश्किल होता है लेकर आना, लेकिन उसके साथ साथ जब आपके पास एक कंटिन्यूस चेन चलती है उसमें ग्रोथ बढ़ती चली जाती है। अगर आप कंसिस्टेंटली क्वालिटी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते रहें तो आपके नंबर्स बढ़ते चले जाते हैं। देखने वाली चीज़ ये होती है कि इस टेक्सटाइल पॉलिसी को फर्दर बेहतर किस तरह किया जा सकता है जिससे आपके नंबर्स और बढ़ जाएं। आपके सामने बांग्लादेश की एग्जांपल है जहाँ पे कॉटन की ग्रोथ ही नहीं है, पैदा ही नहीं होती कॉटन, लेकिन वो 50 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो जिस लेवल पर वो जा रहे हैं वो सिर्फ वैल्यू एडिशन से हासिल हो सकता है। जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि आपके जो 25 अरब है अगर आप इसको एक्चुअली एनालाइज करें तो आपके रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं वो तकरीबन 10 से 11% है, यानी 2.7 बिलियन डॉलर्स की आपके रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट हुई है। अगर आप दूसरी चीज़ों को देखेंगे जैसे कपड़ा है तो 1.7 बिलियन डॉलर्स की उसकी एक्सपोर्ट हुई है। अगर आप टॉवल्स को लेंगे तो 2.4 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट हुई है। तो आपको ये नज़र आ रहा है कि आपकी यार्न की एक्सपोर्ट या कॉटन की एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गई है और आपकी वैल्यू एडेड जो है वो बढ़ती चली गई है। एक मिसाल देते हैं टेक्सटाइल की, मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, मुझे सही तरह याद नहीं, आई थिंक 1 टन ऑफ कॉटन इज़ इक्वल टू 1 बिलियन डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। उसका मकसद ये है कि आप उतने ही कॉटन के साथ कैसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो और महंगा बिक सके और उसके अंदर ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो सके। हम इस पोजीशन पर भी आ चुके हैं जहाँ पे हम बुलेट प्रूफ जैकेट्स वगैरह भी बना रहे हैं जो सिर्फ टेक्सटाइल्स के अंदर अदर प्रोडक्ट्स में आती है, जिसकी डिफेंस के अंदर दुनिया भर में मांग है। हमें गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स को अदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के अंदर भी इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर, ताकि वहाँ से जो ग्रोथ आपकी आएगी वही मुल्क को इस 50 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स तक लेके जा सकती है। मजर साहब, मेरा सवाल इसी के, आपके सवाल से मेरा सवाल एक निकलता है कि ये जो हमने मार्केट शेयर ग्रैब किया है लॉकडाउन की वजह से, दुनिया भर में जो लॉकडाउन था, ये मार्केट शेयर हमारे पास टेम्परेरी है या परमानेंट रहेगा? देखिए, ये आने वाला वक्त बताएगा। उसकी वजह यह है कि दुनिया भर के अंदर जब कॉटन प्राइसेस फ्लक्चुएट करती हैं और उन मुल्कों की जिसमें चाइना शामिल है, इंडिया शामिल है, दूसरे ममालिक शामिल है, वो अपने बिजनेसमैन को, अपने इंडस्ट्रीज को इमीडिएटली सब्सिडाइज करते हैं, उनकी बैक पे होते हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली पास्ट में ये देखा गया है कि 6 महीने गुजर जाते हैं और अभी तक पॉलिसी उसके ऊपर आती नहीं कि करना क्या है डिस्काउंटिंग के लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट जो पॉलिसी की भी बात है, टेक्सटाइल पॉलिसी भी अभी भी पाइपलाइन में है, अभी भी ये आई नहीं है, अगस्त की बात की जा रही है कि अगस्त मंथ में ये की जाएगी। लेकिन बहुत सी चीजें जो फैसिलिटेट गवर्नमेंट कर रही है वो इस तरह की जिसके अंदर आप आसानी से इजीली चीजों को कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी आपकी जो कॉटन की इंपोर्ट्स हैं या उसके प्रोडक्ट्स जो रीएक्सपोर्ट के लिए, उसको 0% ड्यूटी पे कर दिया, या वो प्रोडक्ट्स जो टेक्सटाइल एंसिलरीज हैं और कॉटन के प्रोडक्ट्स के साथ इस्तेमाल होते हैं और इम्पोर्ट होते हैं, उसकी ड्यूटीज को भी रिड्यूस किया, ये देखते हुए कि उसकी यहाँ कितनी इंडस्ट्री लगी हुई है और वो इम्पोर्ट कितना हो रहा है और उसका क्या पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान में और मैन्युफैक्चर हो सके जिससे आपकी एक्सपोर्ट और बढ़ सके। ठीक है, मसर साहब, थोड़ा सा गवादर के हवाले से भी बात कर लें, क्या आप सिग्निफिकेंस दे रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी पर? सीपैक भी वहीं पे है, बहुत बड़ा एक चंक वहाँ पर, तो क्या इस सिग्निफिकेंस है गवादर की और इसके समाधान हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो गवादर के ये है कि आपकी गवर्नमेंट जो है, खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद गवादर में मौजूद थे, तो ये उसकी एक खुद इम्पोर्टेंस वो खुद बता रहे हैं कि उनके लिए या उनकी हुकूमत के लिए या पाकिस्तान के लिए गवादर की या सीपैक की क्या इम्पोर्टेंस है। सीपैक पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म बेसिस पे आया है और सीपैक पाकिस्तान में सिर्फ गवादर नहीं है, इसके अंदर जैसा कि आपने देखा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर भी ग्रोथ आई है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर भी वो जा रहे हैं, उसके साथ साथ रोड्स वगैरह की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं, बिजली के ऊपर काम हुआ है। इसी तरह गवादर के अंदर जो सेकेंड फेज़ है उसके ऊपर उसकी इम्पोर्टेंस इस तरह है कि अब जो इंडस्ट्रीज आएंगी
और जो इंडस्ट्रीज गवादर में लगेंगी तो मैं समझता हूँ उससे मुल्क की एक्सपोर्ट्स पे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा और वहाँ के जो लेबर है हमारी और जो हमारे वर्किंग पावर है वो और बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ जो डीप वाटर्स का एडवांटेज है वो पाकिस्तान सही तरह पे ले सकेगा जब पोर्ट फुली फंक्शनल हो जाएगा और इंडस्ट्रीज वहाँ लग चुकी होंगी, क्योंकि आप ये देखेंगे कि बहुत सी इंडस्ट्रीज वो रॉ मटेरियल लेकर आएंगी गवादर जो वहीं पे बनेगा और वहीं से आगे एक्सपोर्ट हो जाएगा वार्म वाटर्स का फ़ायदा उठाते हुए। और इसी तरह बहुत सा रॉ मटेरियल है जो वहीं पे बनकर पाकिस्तान में उस बॉन्डेड एरिया से बाहर आ जाएगा और पाकिस्तान में उसकी कॉस्ट कम पड़ेगी कम्पेयर टू इम्पोर्ट्स जो हम नॉर्मली करते हैं। राइट सर, अगर हम बात करें गवादर की है और स्पेसिफिकली सी पैक को लाइमलाइट में रखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है, क्योंकि सी पैक इट्स लाइक कनेक्टिंग टू अदर कंट्रीज, तो वो सिचुएशन अब तक क्या दिखाई दे रही है और कितने कंट्रीज हैं जो ज्यादा कनेक्शन लेने के लिए और ज्यादा कनेक्ट होने के लिए ज्यादा एक्साइटेड है? ये जो पॉलिसी है ये चाइना ने बनाई है और चाइना ने उन कंट्रीज को उस तरह कनेक्ट किया है जहाँ पे उसका फायदा, और ये मतलब ये यूरोप तक जा रहा है। बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि जिन मुल्कों में ये जा रहा है वहाँ से इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स जो है जो पहले कभी भी नहीं थी या कम थी वो बढ़ती चली जा रही हैं। पाकिस्तान का को इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में मिलेगा जब आपकी रोड कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी, और जैसे जैसे कि ये बेहतर होती चली जाएगी आपके पास इन रूट्स फ्रॉम चाइना मौजूद हैं, आपके पास रूट्स थ्रू पाकिस्तान मौजूद हैं जिसका ज्योग्राफिक लोकेशन पाकिस्तान की इतनी स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट है कि आप ताशकंद का एरिया या ये जो ममालिक हैं इस तरफ आप इस तरफ एक्सपोर्ट कर सकेंगे जो पहले नहीं कर रहे थे। तो ये हमारा एडवांटेज है वार्म वाटर्स का। फॉर एग्जाम्पल अगर चाइना पहले जाता था तो 40 दिन के अंदर पानी क्रॉस करके जाता था, लेकिन गवादर पोर्ट की वजह से इस तरफ आने से 14 दिन में वो सफर एग्जैक्टली आपने वार्म वाटर का जिक्र किया है तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी सर, वार्म वाटर, व्हाट इज वार्म वाटर और एक्चुअली इसके बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए इसमें वार्म वाटर का एडवांटेज ये है कि जो आपके सर्दियों के जमाने के अंदर आप उन एरियाज में ट्रेवल नहीं कर सकते, लेकिन उन एरियाज में जहाँ पे वार्म वाटर्स हैं आपका एडवांटेज है ट्रांसपोर्टेशन का, उसको पहले इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, इसको इस दफा जो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें रीजंस हैं जो स्ट्रेटजी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं जिसके थ्रू जब वो आते हैं तो उसका एडवांटेज जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान को होता है बल्कि उन मुल्कों को भी होता है जो इन वार्म वाटर्स को यूज करते हुए आगे सीआईएस रीजन के अंदर चले जाते हैं। वाओ, दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान इतना ज्यादा फ्रेंडली कंट्री भी है, बिजनेस एनवायरमेंट भी जनरेट कर रहा है और यहां पे एक फैसिलिटी भी मौजूद है। राइट बिल्कुल। मसूद साहब, आपने जो कहा जैसे पोर्ट फुली फंक्शनल जब होगी तो व्हेन आर यू एक्सपेक्टिंग, कब तक लगता है आपको कि आपका अपना एनालिसिस क्या है इस हवाले से? देखिए ये एक कंटीन्यूअस एफर्ट है, वहाँ पे प्लांट्स डिसैलिनेशन के लग रहे हैं, उन्होंने बिजली पे काम किया, बिजली बना दी, एयरपोर्ट पे काम हो रहा था और बहुत आ भी गया जो चाइनीज ने खोला है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो एक दिन या कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, और एक ऐसे इस ऐसी जगह पे जाकर आपने काम करना है जो शहरों से दूर है, तो वहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में वक्त लगता है। और मैं गवादर खुद जा भी चुका हूँ, जो मैंने फैसिलिटीज़ देखी हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगले चंद सालों के अंदर ही ये मज़ीद बेहतर हो जाएगा, और जैसे ही पोर्ट मज़ीद बिजी होने शुरू हो जाएगा इसके साथ डेवलपमेंट्स चलती रहेंगी, डेवलपमेंट्स कभी ख़त्म नहीं होती, डेवलपमेंट्स चलती रहती हैं। और जो PSDP का ऐलान प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपकी पब्लिक स्पेंडिंग नहीं होगी तो आप जो पहिया चलाते हैं उसके अंदर ज्यादा तेजी जो है वो इन्हीं वजहों से आती है कि जब आपकी PSDP की एक्सपेंडिचर्स होते हैं मुल्क के अंदर। सर अगर हम बात करें पहिया चलाते हैं और लोकल मार्केट की बात करें तो अभी हमारी लोकल मार्केट कोविड के दिनों में काफी फ्लरिश करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि अगर हम एक FDI की बात करें तो वो काफी हद तक पाकिस्तान में इतनी ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रही जितना लोकल्स पार्टिसिपेशन है। योर टेक ऑन प्लीज। देखिए मैं आपसे हमेशा हर प्रोग्राम में ये बात करता हूँ कि हमारी इम्पोर्ट्स जो है इस साल वो आई थिंक कर्व होने के बाद $54 बिलियन पे है। बिल्कुल। और इम्पोर्ट्स हम एक्सपोर्ट्स हमारी $25 बिलियन पे, हमारी डेफिसिट तो है, लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि पाकिस्तान की जो 64-65 बिलियन पे चली गई थी वो क्या कोविड की वजह से कम हुई है या उसकी क्या वजूहत है। उसमें एक सबसे बड़ी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो लगा दी उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो पाकिस्तान में बन सकते थे या जिसका पोटेंशियल था कि वो पाकिस्तान में बन सके,
और उन लग्जरी प्रोडक्ट्स की जिस वक्त जो उस वक्त पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी। इसके साथ साथ इस बजट के अंदर भी गवर्नमेंट ने कुछ रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में मज़ीद इजाफा किया है, ये देखते हुए कि आप अगर रेगुलेटरी ड्यूटी लगाते भी हैं तो क्या इंडस्ट्री पाकिस्तान में आई। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स में फोर्थ लार्जेस्ट हैं इन द वर्ल्ड, टेक्सटाइल में तो आप 8 नंबर पे हैं। डिबेट किए और पूरा प्रोग्राम इसके ऊपर किया है। एग्जैक्टली आप नंबर 8 पे हैं टेक्सटाइल्स में, लेकिन डेयरी में आप नंबर 4 पे हैं। अब पाकिस्तान में वो चीज बनना शुरू हो गई है जो आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंपोर्ट किया करते थे। और पोटेंशियल बहुत मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, पोटेंशियल इतना मौजूद है कि आप अगर इसको और डेवलप होने दें और इसके ऊपर काम करें तो आप एक वक्त आएगा आप वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट कर सकेंगे प्रोडक्ट्स। दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट होते हैं तो पाकिस्तान में क्यों नहीं, हमने साला साल इंपोर्ट किए मोज़रेला चीज़ या हमने दूसरी चीज़ें ली हैं। अब आप वक्त आ गया कि पाकिस्तान में वो इंडस्ट्री लगे और जो लग चुकी है। सर डेयरी की बात हो रही है और कल्चरल जो पर्सपेक्टिव है मैं वो भी ऐड करना चाहूँगी। हमारे पास कुछ ऐसी डिशेज हैं, कुछ गाँव की, कुछ विलेजेस की ऐसी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जो कि अगर उनको सही मार्केट किया जाए तो वो बहुत फाइन उनका एक इम्पैक्ट आ सकता है। और अगर हम बात करें जैसे कि सर ने बोला कि मोज़रेला चीज़ है या डिफरेंट, ये तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं तो ये बनी भी जब ही हैं जब इनको प्रमोट किया गया है। हमारे पास कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं सर, आप प्लीज बताइए। देखिए हमें अपनी हमेशा अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ काम करना चाहिए और स्ट्रेंथ्स में काम करने में आप अगर सेक्टर्स देखते हैं तो आप टेक्सटाइल सबसे पहले दिमाग में आता है। बिल्कुल आज 25 अरब डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट है, लेकिन इसके साथ साथ आपने ये ज़रूर देखना है कि इसको हम ज़्यादा फैसिलिटेट कैसे कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ टेक्सटाइल ही की बात करूं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि क्या हम कॉटन की यील्ड को बढ़ा सकते हैं, क्या कॉटन की यील्ड बढ़ने से हमारी कॉस्ट गिर सकती है पर हेक्टेकर। अगर ऐसा हो सकता है तो हम अपनी कॉस्ट गिरा कर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। अगर स्टेपल क्रॉप आपकी बेहतर हो तो आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट और बढ़ सकती है। तो ये तो एक एग्जांपल मैंने आपको टेक्सटाइल्स का दिया। इसके अलावा हमारे पास इंजीनियरिंग सेक्टर है और जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया SMEs है हमारे पास। इंजीनियरिंग सेक्टर में हमने देखा कि ट्रैक्टर्स की एक्सपोर्ट, मोटरसाइकिल की एक्सपोर्ट और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फ्रिजेस, डीप फ्रीजर्स, माइक्रोवेव, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स काम कर रही है कि आप इसकी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। इसके साथ साथ आपके सामने IT सेक्टर है कि IT सेक्टर पर बात यह हो रही है कि 2 अरब डॉलर की आपकी ऑफिशियल एक्सपोर्ट थी, हम इसको 4 अरब डॉलर पे कैसे लेके जाएं और इसका वो अटेंड वो इसमें वो कैपेसिटी मौजूद है कि आपको ना गैस चाहिए, आपको ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत है और ह्यूमन कैपिटल को इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत है और इंसेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि आप अगर ह्यूमन कैपिटल को इस्तेमाल करें सॉफ्टवेयर की तरफ तो आप अपनी एक्सपोर्ट्स को 10 अरब डॉलर तक ले जा सकते हैं। आपके रीजन में ही प्लेयर्स मौजूद हैं जो आपसे 10 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान को वो एडवांटेज ऑफ लैंग्वेज भी है कि आप इंग्लिश के अंदर भी सॉफ्टवेयर और थर्ड पार्टी चीज़ें कर सकते हैं जो दूसरे बहुत से मुल्क नहीं कर सकते। Exactly, इसमें तो बहुत पोटेंशियल मौजूद है और काम करने की जरूरत है। जी इस वक्त टेलीफोन कॉल पर हमारे साथ मौजूद हैं फुरकान रियाज साहब, डायरेक्टर एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और साथ साथ टेक्सटाइल एक्सपर्ट भी हैं। इनसे भी बात करेंगे कि टेक्सटाइल सेक्टर इनको कैसा लगता है, गोइंग अहेड एक्सपोर्ट्स कैसी नजर आती हैं टेक्सटाइल में। जी अस्सलाम वालेकुम फुरकान साहब। वालेकुम सलाम। फुरकान साहब सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा ओवरऑल बजट में हमने देखा है टेक्सटाइल, अभी टेक्सटाइल पॉलिसी भी अवेटेड है, ओवरऑल बजट का क्या कैसा देख रहे हैं इम्पैक्ट टेक्सटाइल सेक्टर पर? देखिए ओवरऑल कुछ चीजें अभी भी इनिशियली ये होना था कि टेक्सटाइल पॉलिसी ने बजट से पहले अनाउंस होना था, उसमें जब हफीज शेख साहब कुछ चीजें थी वो अपने रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज में वापस चली गई थी जहाँ तक टेक्सटाइल का टेक्सटाइल पॉलिसी की बात है, तो वो चीजें अभी भी अवेटेड हैं। उनमें कुछ हमारे FBR से रिलेटेड इश्यूज हैं, कुछ कस्टम्स से रिलेटेड इश्यूज हैं और कुछ अलग अलग मिनिस्ट्रीज लाइक एनर्जी मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से और पावर डिवीजन से चीजें लिंक्ड हैं, जिसमें एक्सपोर्ट सेक्टर के जो रीजनली कंपेटिटिव इलेक्ट्रिसिटी और गैस की टैरिफ हैं उसमें अभी भी कुछ क्लैरिटी आना बाकी है। राइट फुरकान, अगर हम बात करें टेक्सटाइल पॉलिसी की, जैसा कि आपने कहा कि अब अवेटेड भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, एक्सपोर्ट के नंबर्स इंक्रीज करने के लिए हमें एक लोकल प्रोडक्ट बढ़ानी पड़ेगी, कॉटन की प्रोडक्ट को बढ़ना हमारे लिए एक नेसेसरी है, ये बेसिक नेसेसिटी है पाकिस्तान के लिए, इसके ऊपर प्लीज एम्फोसिस करें। आप देखें इसमें ये दो आप बिल्कुल सही कह रही हैं और इसकी वजह ये है
कि पाकिस्तान का जो कोर प्रोडक्ट है टेक्सटाइल के हवाले से, चाहे वो डेनम में हो, चाहे वोवेंस में हो, वो निट्स में हो, वो टावल टेरी में हो या बेड लिनन में हो, वो सारा का सारा बेस है कॉटन के ऊपर। कॉटन की जो हमारी प्रोडक्शन है वो लोएस्ट एवर पर है, तो कॉटन की सीड्स के ऊपर कॉटन के फार्मर के साथ काम करने की जरूरत है, उसमें कुछ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स की भी जरूरत है, उसमें कुछ सीड की वैरायटी के ऊपर भी काम करने की जरूरत है। और ये आई थिंक सिर्फ फार्मर का काम नहीं, ये तमाम जो टेक्सटाइल वैल्यू चेन है उसने भी अपना इनपुट देना होगा फार्मर को, ताकि कॉटन की प्रोडक्शन बढ़े और हम फिर अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट करें। अभी ये हो रहा है कि हम ऑलमोस्ट मेरा जहाँ तक ख्याल है $2 बिलियन के करीब हम खर्च कर रहे हैं इंपोर्टेड कॉटन के ऊपर, जिसको हम फिर यार्न और फिर फैब्रिक में कन्वर्ट करने। तो ये एक तो फिगर भी हाई है जिसमें हमारा फॉरेन रिजर्व भी यूज हो रहा है, और दूसरी बात ये है हम एक्स वाई जी मुल्क का कॉटन यूज कर रहे हैं, हम अपना होम ग्राउंड कॉटन नहीं यूज कर रहे उसमें। राइट, आप समझते हैं जो फर्दर पोटेंशियल नजर आ रहा है पाकिस्तान जैसी इंडस्ट्रीज के अंदर टेक्सटाइल को अगर हम बात करें लाइमलाइट में रखे, तो कितना इम्पोर्टेंट है अभी इसका पोटेंशियल ज्यादातर वर्कआउट होना, या फिर अभी फर्दर कुछ चीजें आना बाकी हैं टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर? देखिए कुछ चीजें अभी भी बाकी हैं, इन द सेंस के यूएस तो ऑलमोस्ट जो हमारी बिगेस्ट मार्केट है यूएस तो इज ऑलमोस्ट ओपन, यूके भी ऐसा ऐसा खुल गया है या तकरीबन खुल गया है, यूरोप की कुछ कंट्रीज अभी भी फुली अवेटेड हैं टू ओपन, उनके रिटेल आउटलेट्स उनके स्टोर्स खुलना अभी भी कंप्लीटली बाकी, ये नहीं कि वो अब कंप्लीटली बंद है, ई कॉमर्स भी खुला है, स्टोर्स भी पार्शली खुले, लेकिन यूरोप अभी भी स्लो डाउन है। अगर आप देखें एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, मेरे सामने अभी कुछ फिगर्स आए हुए हैं, तो अगर हम लास्ट ईयर के मुकाबले में देखें ऑस्ट्रेलिया की जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं टू ऑस्ट्रेलिया, वो फाइनेंशियल ईयर 21 में 33% ग्रो हुई है। अगर हम यूके की बात करें वहां भी ग्रो है, अगर हम यूएस की बात करें तो तकरीबन 39% ग्रोथ है, हम चाइना की एक्सपोर्ट्स में बात करें वहां भी ग्रोथ है। और अगर मैं स्पेसिफिकली निटेड गार्मेंट सेक्टर के ऊपर आ जाऊं तो 11 मंथ्स ऑफ 2021 में लास्ट ईयर के मुकाबले में तकरीबन 32.7% का इंक्रीज है निटेड गार्मेंट्स के एक्सपोर्ट, तो पोटेंशियल अभी भी मजीद है। इसमें ऑब्वियसली कुछ चीजें गवर्नमेंट के एंड से पेंडिंग है, उसमें ऑब्वियसली एक्सेस टू एनर्जी, मतलब जो हमारा गैस का बहरान चल रहा है उसको एड्रेस करने की इमरजेंसी बेसिस पर, और गवर्नमेंट काम भी कर रही है उसके ऊपर, उसको एक इमरजेंसी बेसिस के ऊपर एड्रेस करना जरूरी है। दूसरी बात ये आपने देखा होगा ट्रस्ट की जो फाइनेंस स्कीम आई थी ड्यूरिंग कोविड, उसमें तकरीबन जो मेजोरिटी यूज हुआ है उसका वो टेक्सटाइल सेक्टर ने उस फैसिलिटी को अवेल किया है। नेचुरली टेक्सटाइल सेक्टर अगर $1 या $2 बिलियन के एक्सपेंशन में जा रहा है तो एलाइड इंडस्ट्रीज जैसे स्टील हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, सीमेंट हो गया, पाइपिंग हो गई, वो सारी चीजें बेहतर मशीनरी हो गई, ये भी सारी चीजें अफेक्ट होंगी। अगर कोई $2 बिलियन की इंडस्ट्री लगा रहा है तो उसके साथ साथ $1 या $2 बिलियन की ऑक्सिलरीज भी उसमें यूज होंगी। ये भी जानना चाहोगे यूएस चाइना के दरमियान जो टेंशन चल रही है, ट्रेड टेंशन जो चल रही है, उससे पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को प्रोड्यूसर्स को किस हद तक फायदा होता हुआ नजर आ रहा है आपको? उसमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है खासतौर पर यूएस मार्केट के लिए, क्योंकि ये नहीं है कि ब्रांड ने या रिटेलर्स ने बिल्कुल चाइना से सोर्सिंग कर दी, उन्होंने बहुत बड़ी तरीके से चाइना से मूव आउट किया। उसमें ऑब्वियसली एक इशू ये भी था कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है ऑब्वियसली बिजनेस वहां भी गया, लेकिन उनकी जो कोविड में पोजीशन थी, चाहे वो बांग्लादेश हो या इंडिया हो या श्रीलंका, वहां कोविड का इशू बहुत ज्यादा सीरियस था और वहां बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर या फैक्ट्रीज या ऑर्डर्स वो मीट नहीं कर पा रहे थे। थैंक यू सो मच फुरकान रियाज साहब, टेक्सटाइल एक्सपर्ट थे आप, डिटेल एनालिसिस हम देख रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज फार एज आर प्रोग्राम इज कंसर्न, काफी हद तक हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लरिश करते हुए दिखाई दे रही है और अभी ये जर्नी स्टार्ट हुई है, आने वाले दिनों में अभी बहुत से माइलस्टोन अचीव करने। मजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर बाद में फोकस करूंगी, पहले हम रेगुलेटरी ड्यूटीज की बात कर रहे थे। रेगुलेटरी ड्यूटीज जो कि नॉन एसेंशियल आइटम्स में पास्ट में भी लगती रही हैं, अब जो कि लग रही हैं, आप समझते हैं हमारी इंडस्ट्रीज इससे कितना फायदा उठा रही हैं? देखिए जो गवर्नमेंट ने प्रोडक्ट्स चूज किए हैं
उसको उसके ऊपर दो किस्म है, एक तो वो है कि जो जो लग्जरी प्रोडक्ट्स में आते हैं जिसके ना होना होना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बहुत छोटी परसेंटेज के लिए इस्तेमाल होती हैं और वो रेगुलेटरी ड्यूटी देकर हायर प्राइस पे अगर चाहें तो वो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ सीरियल्स का। अब सीरियल्स पाकिस्तान के अंदर जो इम्पोर्ट हो रहे थे हर जगह हर सुपरमार्केट के अंदर, वो अपनी प्राइसेस डबल्ड और ट्रिपल कर चुके हैं। उसके करने के बाद उसके अंदर सेल इम्पोर्ट्स के अंदर रिडक्शन हुआ और जो लोकल सीरियल्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो गए। सो मच सो के एक इंटरनेशनल क्वालिटी भी मेंटेन करना पड़ेगी ना, क्योंकि वो टेस्ट भी तो डेवलप हो जाता है। हमें अपनी एफडीआई को बढ़ाना है और एफडीआई बढ़ाने के लिए हमें लोकल इंडस्ट्री और एफडीआई के साथ इंटरनेशनल पार्टनर्स को भी लेकर आना है। मैंने आपको सीरियल का एग्जांपल दिया, एक इंटरनेशनल कंपनी जो है वो सीरियल्स बनाने के लिए पाकिस्तान में आ गई है जो पहले एक्सपोर्ट किया करती थी। तो मुल्क पे लाने के लिए आपको इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान उन चंद मुल्कों के अंदर है जो आपको 100% अपना मुनाफा रिपैट्रिएट करने की इजाज़त देता है। तो वो एडवांटेजेस पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज जो है आपकी पॉपुलेशन का है। आपकी पॉपुलेशन साइज और आपकी यूथ का परसेंटेज उस पॉपुलेशन का उस जगह पे खड़ा हुआ है जहाँ पे आपके पास जिस किस्म की प्रोडक्ट जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है अगर आप उसको लेकर आए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि आप 54 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं, आपके पास ये पोटेंशियल ऑयल को निकालने के बाद ये मौजूद है। इन प्रोडक्ट्स को आप लोकली मैन्युफैक्चर करें। चाइना ने क्या किया, चाइना ने शुरू में हर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया और मैन्युफैक्चर करके अपने प्रोडक्ट को चाहे वो ज़्यादा अच्छा था या ना था उसको इस्तेमाल किया। उसके ऊपर उसके अंदर डेवलपमेंट्स हुई, कुछ इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई, कुछ इतनी ज़्यादा फ्लारिश कर गई कि आज चाइना वहाँ खड़ा है जहाँ पर चाइना पहले कभी नहीं था। चाइना की पॉलिसी थी कि 2020 के अंदर वी विल बी द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। आई थिंक चाइना बिकेम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बाई 2010 and 11। Now China's policy is to go for value-added branding. हमें अपने टारगेट सेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो मैं आपको उसी तरफ लेके जा रहा हूँ। जैसे मैंने अभी रियाज साहब बात कर रहे थे और मैंने आपसे कहा आपको यील्ड बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल। अब सीपेक के अंदर एग्रीकल्चर इज अ पार्ट ऑफ इट। सीपेक के अंदर आप चाइना से टेक्नोलॉजी लें कि आपकी यील्ड किस तरह बढ़ सकती है, आप कॉटन को किस तरह बेहतर कर सकते हैं और कॉटन की ग्रोथ करेंगे तो आपकी कॉस्ट गिरेगी। सीड क्वालिटी को बेहतर करें, टेक्नोलॉजी को बेहतर करें फार्मिंग की। तो ये वो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर सीपैक में अगर पाकिस्तान में आए और मुल्तान भावलपुर जो हमारा और जो बात करते थे वैल्यू एडिशन की, तो वैल्यू एडिशन जो प्रोसेस है वहीं से स्टार्ट कर दें। न्यू इंडस्ट्रीज जो लग रही है, ये सीड जो ग्रोथ और यील्ड की बात हो रही है वो अपनी जगह हो रही है, एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री अपनी जगह चल रही है और उसके साथ साथ आप इंसेंटिवाइज करते हैं नए प्रोडक्ट्स आने के लिए, नए इंडस्ट्री को आने के लिए। तो मसल साहब ये भी बताएगा कि लेटेस्ट यूरोपियन यूनियन पे क्या डेवलपमेंट है, हमारे पास जीएसपी प्लस स्टेटस हमारा कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है इन द मीडियम टर्म। देखिए इस वक्त हमारे पास जीएसपी प्लस जो हमारे पास था हमने उसका एडवांटेज कितना उठाया। अनफॉर्चुनेटली जो पोटेंशियल मौजूद था थोड़ा सा लॉकडाउन का भी तो आ गया ना। नहीं, लॉकडाउन को आ गया लेकिन लॉकडाउन से पहले भी वी नीड टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। बात यह है कि उस वक्त भी हमारे उस वक्त प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे। उस वक्त प्रॉब्लम्स इस हद तक के थे कि बिजली अवेलेबल नहीं थी, लोग मतलब इंडस्ट्री चलाने के लिए पहले इंसान गैस ढूंढता है, बिजली ढूंढता है, फिर आगे आता है। तो जीएसपी प्लस के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद था, हम उस कैपेसिटीज पे एडवांटेज ना ले सके। लेकिन अगर हमारा ये स्टेटस आगे बढ़ जाता है तो मैं समझता हूँ हम उस लेवल पे बैठे हुए हैं जहाँ पे हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं। आज पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर को जो इंटरेस्ट रेट थे आपके वो 7% पे कंसिस्टेंट है। मैं समझता हूँ आपके ग्रोथ के अंदर स्टेट बैंक ने जो 7% का इंटरेस्ट रेट दिया है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर इस इम्पैक्ट को रखते हुए आप अब इन्वेस्टमेंट करेंगे जो टेक्सटाइल सेक्टर में हो रही है, ऑलरेडी हो रही है, लास्ट प्रोग्राम में भी बात हुई थी बिलियन डॉलर्स प्लस की और मजीद उसमें आ रही है, तो हम जीएसपी का एडवांटेज अब उस लेने की पोजीशन पे है क्योंकि आप एक जंपिंग बाउंड्री पे आ गए हैं। तो यहाँ पे कुछ लूप होल्स भी हैं जिनको फिक्स करना या कुछ बग्स हैं जिनको फिक्स करना जरूरी है। टेक्सटाइल की अगर बात हो रही है, एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है, नंबर्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, डेली बेसिस पे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं और 6 months के ऑर्डर्स पाइपलाइन में भी मौजूद है। तो सर इन तमाम चीजों को टैकल करने के लिए हमें एक्सपेंशन करनी पड़ेंगी, एक्सपेंशन के लिए हमें पावर चाहिए सर। और इसके अंदर बिजली आपके पास मौजूद होगी,
गैस का आपके पास फुकदान है, आप RLNG इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन RLNG जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 30% 40% एट अ हायर प्राइस देन द नॉर्मल गैस हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो अगर आप एक तरफ रख दें, मेन चीज़ यही है कि आप अपने बेसिक्स को ठीक करें। हम कहते हैं AFI, एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। तो ऐसा कोई डिवीजन, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो आप कहें कि ये 100% कंप्लीट हो चुका है, इसमें चांसेस नहीं है बेहतरी के। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन्स की अगर बात करें सर, तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन्स आपके पास मौजूद हैं, लेकिन आपके पास आप कॉटन को बरामद कर रहे हैं, रिवैल्यूएट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों ना अपनी कॉटन को मजीद बढ़ाएं। मैं आपसे हमेशा कहता हूं, हम सनफ्लावर क्यों नहीं पाकिस्तान में उगाते हैं, हम पाम ऑयल क्यों इंपोर्ट करते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। तो होता है सर, सनफ्लावर तो काफी होती है, कैपेसिटी नहीं है हमारे पास कि हम सनफ्लावर ऑयल के अंदर चले जाएं। एक जमाने में पाकिस्तान में लगना शुरू हुआ था, उसके बाद पॉलिसी चेंज के बाद हम फिर पाम ऑयल की तरफ चले गए। अगर आप आज पाम ऑयल की इम्पोर्ट देखें तो क्या हम ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते? If I'm not mistaken, Prime Minister साहब ने अपनी एक स्पीच में भी कहा था कि हमें स्मार्ट प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है, जैसे ऑलिव्स हो गए, फ्रूट पे भी हमें स्मार्टली खेलना है ताकि हम कुछ ऑलिव्स पे भी रिसर्च हो रही है, फ्रूट्स की तरफ जाएं। लेकिन मेन चीज ये कि आपकी जो वॉल्यूम टेकर्स हैं वो क्या है, चाय आपका वॉल्यूम टेकर है, पाम ऑयल आपका वॉल्यूम टेकर है, आप घी बना रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन पाम ऑयल जो इंपोर्ट कर रहे हैं, हम क्यों नहीं सनफ्लावर की पॉलिसी बनाएं फॉर 5 इयर्स कि जितनी आप ग्रोथ करेंगे गवर्नमेंट इतनी सब्सिडाइज करेगी, और सनफ्लावर से अगर आप बनाएंगे तो आप अपनी इम्पोर्ट्स को कर्टेल कर देंगे। ठीक है, मतलब चीजें करने की जरूरत। मैं ये भी बात करते चले कि FY21 ऑब्वियसली ओवर हो चुका है, लास्ट फिस्कल ईयर में हमने देखा था ट्रेड डेफिसिट 34% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बड़ा, एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 18%, इम्पोर्ट्स 26%। ओवरऑल अब नेक्स्ट एक तो ये कि क्या वजूहत रही इसकी, और आगे जाकर आप ट्रेड डेफिसिट कैसा होता है वो देखें। ऑब्वियसली इंपोर्ट बिल तो एक बहुत बड़ा, जो ऑयल इंपोर्ट बिल है वो तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसके अलावा अदर देन दैट। देखिए, जब आपके पास मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन अगर एवरेज में 9% पे है, 8.99% बीच में बड़ा भी था, अगर 9% भी हम ले लेते हैं एक मिनट के लिए, तो इस इन्फ्लेशनरी रेट के साथ जो आप ग्रोथ कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आपकी इम्पोर्ट्स के अंदर अब इजाफा होगा, क्योंकि दुनिया खुलती जा रही है। जब दुनिया खुलती जा रही है तो एक तरफ जिस तरह आप एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान के अंदर आप हर चीज़ को नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेते जा रहे हैं एहतियात से, तो वहाँ आपकी इंपोर्ट्स भी बढ़ेंगी। देखने वाली चीज़ ये है कि इन 2-3 सालों में या इस कोविड के दौरान जो लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ आ गए, क्या इम्पोर्ट्स हमारी उन प्रोडक्ट्स में ज़्यादा बढ़ती है या नहीं। सबसे बड़ा बिल आपका ऑयल का होगा कि पिछले सालों के अंदर, पिछले 1 साल 1.5 साल में आपकी ट्रैवलिंग कम थी, आपकी ऑयल प्राइस गिर गई, आपने एविएशन इंडस्ट्री में इस्तेमाल नहीं हुआ। अब जो दुनिया के अंदर आप देखेंगे कि ट्रैवलिंग बढ़ेगी, लोग बाहर आएंगे, डिमांड क्रिएट होगी, तो ऑयल प्राइसेस ब्रेंट की जो है आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। Right. उस प्राइस के साथ जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आपका बिल इंपोर्ट्स का बढ़ेगा। Exactly. हमने उसको सब्स्टिट्यूट इसी तरह करना है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करें। आपके जो रिपेट्रिएबल पैसे आ रहे हैं, ये रोशन गवर्नमेंट ने डिजिटल अकाउंट्स दिए हैं, ये एक बेहतरीन चीज की है, इसमें आप इजाफा देखिए कितना होता जा रहा है। राइट कॉर्ड्स प्रेस करनी है अभी, जहां पे स्पेस है हमें वहां चीजें जो है वो कर्टेल करनी है। ये जो एडवांटेज दिया है गवर्नमेंट ने, इसको मजीद और फैसिलिटेट किस तरह कर सकते हैं कि जो लोग बाहर से पैसे रिपेट्रिएट करते हैं, जो लोगों के पैसे बाहर रखे हुए हैं, अगर वो मुल्क के अंदर आ जाए, इससे मुल्क को बहुत फायदा होगा। इसके साथ साथ आपको FDIs को अपनी तरफ लेकर आना है। तो जिस तरह आपकी मुल्क के अंदर पैसा और आएगा, आपकी डॉलर की वैल्यू भी आप देखेंगे कम हो जाएगी, क्योंकि डॉलर की जब डिमांड होती है तो वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि हम डॉलर बढ़ा है फ्लक्चुएशन इसीलिए देखते रहते हैं। लेकिन ये बढ़ के कम हो और कम होकर पैसों में बढ़ रहा है, लेकिन हमने देखना यही है कि आने वाले दिनों के अंदर आपकी इंपोर्ट्स इससे ज्यादा ना बढ़े, जो आपकी एक्सपोर्ट्स उसको इस डेफिसिट लेवल से ऊपर ना जा सके। इसके साथ साथ सर्कुलर डेट है, सर्कुलर डेट को हमने टैकल करना है, और जिस दिन आप सर्कुलर डेट को टैकल कर लेंगे, मैं समझता हूँ ये इस हुकूमत काफी इकदामात इस पे किए भी गए हैं, और रिसेंटली अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा काम होगा पाकिस्तान के लिए। राइट, आपने अगर आपकी गुफ्तगू को समअप किया जाए तो आपने कहा है कि लोकल डिमांड को सबसे पहले हमें फुलफिल करने के तरीकेकार आना चाहिए, तो इसीलिए हम इंटरनेशनली ग्रो करेंगे। इसके साथ साथ सर, रोशन डिजिटल अकाउंट का बहुत रोल है, जैसा कि आपने इस पे एम्फेसिस किया। अब अगर हम बात करें ऑटो पॉलिसी की, या ऑटोज के अंदर अगर हम आ जाए यहाँ पर, तो कार खरीदने के लिए अब रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, या फॉरेन हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रोशन डिजिटल अकाउंट कितना ज्यादा गेम चेंजर होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, ये आने वाले वक्त के अंदर जैसे जैसे दुनिया खुलेगी,
लोगों के पास पैसे होंगे तो पैसे जैसे जैसे पाकिस्तान में आते जाएंगे, जैसा आपने कहा गाड़ियों के लिए, इसी तरह होम फाइनेंसिंग के लिए और दूसरी चीजों में, ये और खुलता चला जाएगा, अलग अलग विंडोज उनके लिए ओपन करेंगे, अलग अलग विंडोज खुलती चली जाएंगी, तो इससे पैसे वापस मुल्क के अंदर भी आएंगे, लोग रिपेट्रिएट भी सही तरीके से करेंगे, हवाले का इस्तेमाल छोड़ देंगे। जब एक चीज आपको आसानी से मिल जाती है और ऑफिशियली मिल जाती है, इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती। जितना पाकिस्तान वेरीफाइबल ट्रांसपेरेंसी की तरफ चला जाएगा, उतनी आप देखेंगे तरक्की मुल्क में होती चली जाएगी। इंटरेस्ट रेट्स आपका साथ दे रहे हैं, लीजिंग आपके पास है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आप देखिए उसमें बूम है, कितने नए मैन्युफैक्चरर्स हैं जिसका नाम भी नहीं सुना था पिछले दो सालों में मुल्क में आ चुके हैं और दो सालों में आ जाएंगे। लेकिन सर मैं कंपनीज का नाम तो ऑब्वियसली नहीं ले सकता, लेकिन पाकिस्तान में देखा है जितनी भी इंडस्ट्री मतलब जो बाहर की कोई कंपनीज आ भी जाए, लेकिन पॉपुलर हमारे दो तीन ही वेरियंट्स हैं, ऐसा क्या है, इसको कैसे, इस मोनोपोली को कैसे चेंज किया? देखिए ये मोनोपोली तो कंज्यूमर खुद चेंज करता चला जाएगा। मैं आज वो देख रहा हूँ, आज वो कंपनियां जो इमीडिएटली आई हैं, जो उन्होंने ग्रोथ ली है, तो वो एग्जिस्टिंग कंपनीज ही की ग्रोथ ली है। अब ये तो आपका फेयर बिजनेस प्रैक्टिस है और ये मुल्क के अंदर एक मैकेनिज्म है जिसके तहत अब वो काम जो पाकिस्तान में पहले नहीं हो रहा था, यानी कि सर्विस, ज्यादा सर्विस, बेटर प्राइसिंग, क्वालिटी, वो आना शुरू हो जाएगी। अब जितनी गाड़ियां आ रही हैं उनको कम्पीट करना है जायंट्स के साथ, तो वो ज्यादा अच्छी प्राइस दे रहे हैं। आपके पास चॉइस होगी तो मैनिपुलेशन टूटेगी, इनकी चॉइस आपकी बढ़ गई, आप दो गाड़ियों से ज्यादा नहीं ले सकते थे, आज आपके पास 6-7 किस्म की गाड़ी है, अब आप चूज कर सकते हैं। तो आई एम श्योर वो शेयर्स लोगों के कम हुए हैं, जिसके वजह से जो लोग आराम से काम कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, अब उनको जिद्दत करनी पड़ेगी, प्राइसिंग ठीक करनी पड़ेगी, क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, ऑप्शंस और देने पड़ेंगे कंज्यूमर को, क्योंकि अब कंज्यूमर के पास चॉइस है जो पहले लिमिटेड थी, अब जो है वो बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, Hyundai ने आज 8th जनरेशन सोनाटा जो है वो लॉन्च की है पाकिस्तान में। जी और भी गाड़ियां आ रही हैं, जब इतने सारे फीचर्स मौजूद होंगे, इतनी सारी चॉइसेस होंगी, तो खुद ही मैनिपुलेशन भी टूटेगी और खुद ही एक उनका जो सेल्स है उस पर भी इफेक्ट आएगा, सब पर चीपेस्ट मार्केट की तरफ जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में जैसे होता है, अब आपकी एक्सटेंडेड वारंटीज होती है, आपकी प्राइसिंग होती है, आप अभी ट्रेड इन कार्स कर सकते हैं, ये सब कुछ पाकिस्तान में अब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके पास इतनी, और इसमें से बहुत सी चीजें हो भी रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही है, लेकिन अब ज्यादा हो जाएंगी। अब हर आदमी कम्पीट करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब यही ब्रांड चल सकता है, अब तो ये अब नई कंपनियों ने आने के बाद जिन्होंने अपने प्लांट्स पाकिस्तान में इस्टेब्लिश किए हैं, ये बात तो क्लियर हो गई कि पुराने मैन्युफैक्चरर्स को अपने आप को मजीद बेहतर करना पड़ेगा अपने वॉल्यूम शेयर को मेंटेन करने के लिए, और पाकिस्तान में ग्रोथ भी आ रही है थैंक्स अगेन टू दी इंटरेस्ट रेट, कि आपके जब इंटरेस्ट रेट 7% है और आपकी मेजोरिटी जो है वो लीजिंग हो रही है, तो लीजिंग के अंदर इन गाड़ियों के अंदर ग्रोथ आ रही है, और जो ऑटोमोबाइल पॉलिसी गवर्नमेंट ने दी है, जिसमें आपने इस बजट में भी देखा होगा कि उस आपके सेल्स टैक्स वगैरह पे छोटी गाड़ियों पे एंड अदरवाइज प्राइसेस अभी गिरी है, इंसेंटिव्स दिए गए हैं, इंसेंटिव दिए जिससे हर मैन्युफैक्चरर ने अपनी प्राइसिंग को गिराया है, मतलब कंज्यूमर की फैसिलिटी के लिए जाता है। बिल्कुल, डिस्पाइट कोविड हमने देखा रुपी काफी हद तक स्ट्रॉन्ग रहा है, और अगर लास्ट फिस्कल ईयर की बात करें तो 6% का जंप हमने रुपी में देखा है, विच इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। अब गोइंग अहेड रुपी डॉलर पैरिटी आप कहां देखा है? देखिए मैंने आपको इसका जवाब तो इसी बात के अंदर है कि जितनी डॉलर की मांग बढ़ेगी आने वाले वक्त में, और जितनी डिमांड बढ़ेगी उतना डॉलर के ऊपर प्रेशर आएगा और प्राइस उसकी इंक्रीज करेगी। इसका हल यही है कि आपके पास रोशन अकाउंट्स के थ्रू डिजिटल, आपके पास जो रिपेट्रिशन आ रही है आपकी एक्सपोर्ट्स की इंक्रीज के साथ, और आप अपनी इम्पोर्ट्स को किस तरीके से कटेल कर सकते हैं बाय लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इसी से आपकी जी एग्जैक्टली इस पर काम करने की जरूरत है सर, इस पर भी मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। कमोडिटीज ऑफ फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,09,198 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 93,621 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर औंस 1,806.83 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 73.37 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 74.53 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 186 रुपीज, सेलिंग वाज 188, यूके पाउंड बाइंग रही 217.50, सेलिंग वाज 220.50, यूएस डॉलर बाइंग रही 158.80, सेलिंग वाज 159.80, चाइनीज यॉन बाइंग 23.50, सेलिंग वाज 23.65।
सऊदी रियाल बाइंग एट 41.90, सेलिंग वाज 42.40, यूएई दिरहम बाइंग एट 42.85, सेलिंग वाज 43.45, कुवैत दिनार बाइंग रही 481.50, सेलिंग वाज 484 रुपीज, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.50, सेलिंग वाज 394.50। ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। हम देख रहे हैं ऑयल प्राइसेस डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पर फर्दर गुंजाइश मौजूद है। और पाकिस्तान जो कि डिफर्ड पेमेंट पे ऑयल ले रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर इम्पोर्ट बिल बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसी एक प्राइस हाइक की भी न्यूज़ आ सकती है, जिसका मतलब ये है कि ऑयल प्राइस पे लेवी लग सकती है। मज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। सर, अगर लोकल मार्केट पे अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस ऑयल प्राइस की बात करें, तो यहाँ पर लेवी आती है जो कि अब तक नहीं आई है, ज़्यादातर पास ऑन नहीं हुई है पब्लिक की तरफ, तो क्या रिएक्शन होगा और क्या चीज़ें जो हैं वो हमें अब सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए? देखिए, आप अभी मैं ब्रेंट ही की बात कर रहा था, ब्रेंट वाज डाउन टू $42 आल्सो, ये 42 से बढ़ते बढ़ते 74 पे आया है, और कहां तक जाएगा ये हमें पता नहीं है। और कोविड में हमने माइनस में भी देखा, और हमने माइनस में भी देखा है, तो ये गिरने के बाद फिर बढ़ता है। जैसे मैंने आपसे कहा, दुनिया खुलेगी, एविएशन इंडस्ट्री खुलेगी, लोग गाड़ियों में जाएंगे, तो आपकी ऑयल प्राइस मजीद बढ़ेगी, इंडस्ट्रीज चलेंगी। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बहुत अच्छी की है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है, कि आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सही तरीके से ले आएं, देखिए अगर मैं आपको चाइना का एग्जांपल देता हूं, कि उन्होंने चाइना ने ये कहा है कि जी हम टिल द ईयर 2030% गाड़ियां हमारी इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, विच इज द मिनिमम फिगर, नॉर्मली तो उससे ऊपर ही जाते हैं। तो हम इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाएं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के स्टेशन गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडाइज करे और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के अंदर इनको लगाए, जो इलाके में हर जगह लगते हैं, एक दफा ये लग जाए, इंप्लीमेंट करना चाहे तो जल्दी चीजों पे इंप्लीमेंट हो जाता है। अगर हम इसी चीज को टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से कंपेयर करें, तो यहाँ पर हमें इंप्लीमेंटेशन जरा फास्ट एक ट्रैक पे दिखाई देती है। देखिए, नजर भी आती है, और जब आप प्राइवेट पब्लिक में जाते हैं तो आप देखेंगे उसमें, क्यों, गवर्नमेंट का काम बिजनेसेस चलाना नहीं है, गवर्नमेंट का काम तो आपको रेगुलेट करना है और आपको आसानी पैदा करना है कि आप बेहतर से बेहतर बिजनेस कर सकें, इंसेंटिव दें, पॉलिसीज दें। तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाते हैं, तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा कि आपकी ऑयल प्राइस जो है, जो बढ़ती जा रही है, ऑयल की डिमांड में कुछ कमी नजर आएगी, और फ्यूचर यही है आगे जाकर इन द नेक्स्ट मेनी इयर्स, मैं नहीं कह सकता कब पाकिस्तान में होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वही फ्यूचर है जो आपको दुनिया भर में आज नजर आ रहा है। और ये वजह है कि कोई दुनिया का अच्छा मैन्युफैक्चरर नहीं है जिसने इसकी टेस्टिंग और डेवलपमेंट नहीं की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बिल्कुल, फ्यूचर तो सारी पॉलिसीज की बात हुई, तो ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी भी बहुत जल्द जो है वो अनाउंस होगी, उसका कहा यह जा रहा है कि बहुत एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वो हम अट्रैक्ट कर सकेंगे। क्या कहेंगे सवाल से? मैं समझता हूँ कि अगर ये रिफाइनरीज और पाकिस्तान के अंदर लगेंगी, जिससे आप ऑयल को यहाँ रिफाइन कर सकेंगे, एक तो आपके पास बेहतर क्वालिटी आ जाएगी, प्राइसिंग आपके पास बेहतर हो जाएगी, आपकी लेबर इस्तेमाल होगी, इसके साथ साथ आपके पास एंसिलरी इंडस्ट्रीज लग जाएंगी जो पेट्रोकेमिकल बेस्ड या केमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं। तो ठीक है, हमारे पास नेफ्था नहीं है, लेकिन जो रिफाइनरीज हमारे पास लगी हुई हैं और जो मजीद लग जाती हैं, उसके वॉल्यूम्स के साथ आपके पास बाकी ऐसे बाय प्रोडक्ट्स निकलना शुरू हो जाएंगे, जिसके अगर आप फर्दर डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री लगाते हैं, तो मुल्क के अंदर जो इम्पोर्ट्स हो रही हैं सर्टन केमिकल्स की और पेट्रोकेमिकल्स की, मैं समझता हूँ मजीद पाकिस्तान के साथ में लगकर हम अपनी इम्पोर्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, और ना सिर्फ इम्पोर्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, हमारे पास एक्सपोर्ट का पोटेंशियल आ जाता है रीजन के अंदर। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने जो बात कही, तो जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि कोविड के बाद अब चीजें शुरू होंगी तो आगे इंपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, तो उसका मतलब यह है कि हम ट्रेड डेफिसिट इस साल की तरह मजीद इस साल के मुकाबले में मजीद बढ़ता हुआ देख सकते हैं। देखिए, इंडिकेशन तो यही है कि अगर चीजें बढ़ेंगी, अगर इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, तो आपका डेफिसिट भी बढ़ेगा, लेकिन अगर आपकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ना उसके साथ साथ शुरू हो जाती हैं, मजीद आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते हैं, तो डेफिसिट यहाँ रहेगा, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इसको कम कर सके। तो मैं हमेशा कहता हूँ, होप एक ऐसी चीज़ है जिस पे हर चीज़ कायम है इस मुल्क के अंदर, इस दुनिया के अंदर। तो हमें कोशिश यही करनी है कि आप अपनी एक्सपोर्ट्स को और बढ़ाएं, इंपोर्ट्स को जितना लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ले जाएं और कर्टेल कर लें, उतना डेफिसिट आपका कम होना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली सर, और रिफाइनरीज की बात हो रही है, तो फाइनली अगर पाकिस्तान के अंदर वैसे भी लैक ऑफ रिफाइनरीज स्टार्ट से ही दिखाई देता है, और यहाँ पर अगर रिफाइनरीज पे काम होगा तो हमें भी एक अच्छा पेट्रोल मैसर होगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल से अभी भी हम बहुत पीछे हैं, और यहाँ पर काम करने की जरूरत है। हमारे पास ENP सेक्टर्स में लॉट ऑफ कंपनीज हैं, लेकिन रिफाइनरीज में अभी काम बाकी है। थैंक यू सो मच मज़हर नासिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस
एनालिसिस आज हमने इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से लेके मार्केट और खासकर वो कॉर्ड्स भी प्रेस की जिसपे काम करने की जरूरत है, सॉल्यूशंस भी उसके दिए ताकि उस पर काम हो जाए तो उनके रिजल्ट्स और उनके इम्पैक्ट्स आ सकते हैं। बिल्कुल, इसके साथ हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। फॉर फीडबैक यू कैन ईमेल अस एट biztalk@ptv.com.pk। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर इन्वेस्टमेंट्स। वेरी गुड लक फॉर टुमारो। सैयद मोहम्मद दानिश और नताशा हसीब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।